हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी दिल की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, देखते हैं आज के लिए। कैंडल जला लिया मैंने, प्लेइंग के पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसकर मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, सो बेचैनी तो है, बेचैनी तो है, और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से फ्लेम ने अपनी एनर्जी दिखाना शुरू किया है शुरू से ही, तो एंग्जाइटी है। आज के दिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आपसे मिलने की, आपको देखने की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पॉसिबल है कि आपके डीपीज गायब हो या आप गायब हो, लेकिन समाओ लाइक आपके बारे में कोई खबर नहीं है, या आपके डीपीज प्रोफाइल्स कुछ तो मिसिंग है। ये इसकी वजह से ना इनकी एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ रही हुई नज़र आ रही है, या फिर आपके जो स्टेटस है उसमें कुछ एक अजीब सी एनर्जी है जहाँ पे ना इनसिक्योरिटीज़ लग रही है मुझे। मुझे त्रिशूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, त्रिशूल। अचानक से आने वाले टावर की सिचुएशन है। टावर इज नॉट अबाउट निगेटिव ऑलवेज, बट वो चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरी इन द सेंस कि जो बिल्डिंग या जो इमारत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं खड़ी होती, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसे गिरना ही है। जो नहीं बना वो चीज़ लाइक जो आपके लिए नहीं बना या उनके लिए नहीं बना, वो चीज़ गिरना ही है। लाइक उनके लाइफ से जाना है, आपके लाइफ से जाना है, वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। कभी कभी ना कुछ खोने के बाद कुछ पाने का एहसास, या फिर क्या चाहिए, क्या पाना है, इस बात का एहसास ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे यह कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। या तो ये किसी के साथ एक्चुअल में किसी आर्गुमेंट लड़ाई में है फंसे हुए, या इनकी लाइफ में ना आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में एक सोच है, या फिर इनके मन में, स्पेशली मुझे ना इनके मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। क्यों, क्या, कैसे, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। हार्ट्स बन रहे हैं बहुत सारे हार्ट्स, ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस है ना हाल फिलहाल में, ये ऑब्वियसली फुल मून गया है तो पूर्णिमा गई है, उसका असर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशन ऑल ऑफ अ सडन ट्रिगर कर गए हैं, जो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा ना कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अचानक से आपकी याद आना, अचानक से आपको ड्रीम में देखना, अचानक से आपके लिए एकदम स्ट्रांगली फील करना, वो एक स्ट्रांग मेमोरीज याद करना, हाँ वो चीज़ होने की वजह से ना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। परेशान इसलिए कि सोचा नहीं था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये अपने लाइफ में ना बिज़ी हो चुके थे, या ऐसा नहीं कि भूल चुके थे, बट समा उन्होंने आपसे दूर रहना सीख लिया था, या एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अभी अचानक से चीज़ें बदल रही हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लेम जिस तरह से है ना, एकदम जिस तरह से स्ट्रांग है, मैंने कहा ना अचानक से इनकी इमोशंस में, इनकी ड्रीम्स में, इनकी ख्यालों में आप उतरने लगे हो, और ये बात वो समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्या है मतलब जो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, या फिर कुछ जैसे कहना चाहता हूँ। जो आपका प्यार है ना, वही इस इंसान को
आपकी तरफ खींच रहा है, वही आप आपकी तरफ खींच रहा है। अभी ना चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक एकदम सॉलिड मोमेंट ले सकती है, सॉलिड मोमेंट, या कुछ लोगों के इसमें सॉलिड मोमेंट या कुछ लोगों के इसमें फास्ट मोमेंट में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सी, क्योंकि इन्होंने सोचा भी नहीं था, इन्होंने सोचा भी नहीं है, सोचा नहीं था ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्पेशली आपके बारे में। किसी का अचानक से जिक्र करना आपका, किस मतलब जिस तरह से आपका नाम बार बार रिफ्लेक्ट होता है कुछ इंसिडेंट्स की वजह से रिफ्लेक्ट होता है, मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसे ही खाना पसंद है और वही वही सारी चीज़ें ना अचानक से सामने आ जाती है, कोई वैसे खाता है, कहीं मूवी में दिखता है, कहीं कोई इंसान जाते वक्त जैसे ना आपके जैसा ही फील होता है, ड्रीम्स में आप दिखते हो, आपके साथ कुछ हुआ है, ऐसे कुछ ड्रीम्स उनको आते होंगे। सच कहूँ ना कि अगर ये आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं किसी और के साथ, यू नो स्पेशली ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी, ये वहाँ पे अटेंटिव नहीं है, ये आपकी एनर्जी में ज़्यादा अटेंटिव है, यहाँ पे प्यार से ज़्यादा ना एक क्यूरियोसिटी है, एक ऐसे ना कुछ जानना है, एक इमोशंस है ना क्या है वो समझ नहीं पा रहे, मतलब इट्स नॉट अबाउट लाइक जस्ट लव, ये कुछ कनेक्शन ही डिफरेंट है यार, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, वो चीज़ वो जानने समझने की कोशिश में है। 888888 ये एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो, पॉसिबल है कि आपको इवन 69 एंजल नंबर दिख रहा है, 69 एंजल नंबर। हाल फिलहाल में ये इंसान बहुत एंग्जाइटी में है, रातों रातों को जागता होगा या फिर ऑल ऑफ अ सडन नींद से जागता होगा, वो चीज़ मुझे दिख रही है, अचानक से नींद से जागते होंगे, कुछ ड्रीम्स देखा हो, कभी ड्रीम्स याद नहीं है तो, लेकिन एक समा फील होता है कि कुछ तो है, ऐसा कुछ तो देखा। लेटर के, लेटर एस, लेटर पी, लेटर एल, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट करने के लिए कोई एक इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर चुका है, ऐसा लगा कि उसका भांडा फूट रहा है या उसकी सच्चाई सामने आ रही है, एक टावर सिचुएशन अगेन मुझे फील हो रहा है, यस अचानक से सामने आना है। ये उस इंसान से बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत गुस्सा, लेकिन अगर ये इंसान रिलेटेड है, लेकिन स्पाउस हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो खामोश है, मतलब एक रहता ना कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है तुम, ऐसे वाली एनर्जी है, या फिर अगर वो इंसान दोस्त है ना तो फिर भाई इनका गुस्सा सातवें आसमान पे है। मुझे अगेन छिपकली दिख रही है, छिपकल दिख रही है, आई डोंट नो इसका सिंबल क्या हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगा कि दे समथिंग लाइक ना एक स्नेक टाइप की एनर्जी, छिपकल टाइप की एनर्जी, जहाँ पे वो टाइप के एनिमल्स ना वो चीज़ दिख रही है, मतलब समा में खुद कंफ्यूज अचानक से हो गई हूँ कि आखिर मतलब ये इंसान के दिखा रहा है कि ये इंसान की एनर्जी में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मुझे स्क्विरल दिख रही है, स्क्विरल फास्ट में एक्शन हो सकते हैं। 555 इंजन नंबर भी कुछ लोगों को दिख रहा है अचानक से, 555 मेजर एंड पॉजिटिव चेंज। आपको भी इनकी याद आ रही है ऐसा लग रहा है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन आपके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अचानक से इनकी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं, आप अचानक से समझ पा रहे कि मतलब यही इंसान है, एक वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 5 मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, नंबर 5 आज के रीडिंग में, नंबर 5 है, नंबर 4 है,
इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है लिटरली, क्योंकि आप भी ये फील कर सकते हैं। आप भी माने या ना माने, आपको भी पता है कि इंसान की एनर्जी स्पेशली रात को कितनी एक्टिव रहती है कि आपको इनके ड्रीम्स आते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मतलब कहीं कहीं से दूर से कुछ हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन हो, कांटेक्ट नहीं है या बात नहीं हो पाती, या ये इंसान वैसे बात नहीं कर रहा है, क्लियरली बात नहीं कर रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना इनकी तरफ से कि आप फील कर सकते हैं कि ये इंसान आपको कितना याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ सवालों के जवाब, जैसे ना हम कैसे जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन क्या है, क्या है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, डिफरेंट क्यों है चीज़ें, ये अलग तरीके से अभी फील होने लगा है उनको, अलग तरीके से। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मिलना है बट कुछ तो है डिफरेंट ये इंसान से मिलने के बाद, मतलब और भी कुछ हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, और भी रिश्ते हो सकते हैं उनके, बट इसी इंसान से मिलने के लिए सर डिफरेंट फीलिंग क्यों है या डिफरेंट फील क्यों होता है, ये सारी चीज़ें वो समझने लगे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग के ना स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये एक दूसरे को क्यों और कैसे खींच रहा है पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं ये पता नहीं, इसलिए तो मैंने कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड स्ट्रांगली मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, यस पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। स्पाइन की एनर्जी स्ट्रांग है, जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली ना मुझे अचानक से फील हुआ कि जो विंड चाइम होता है ना, जो हवा से आवाज़ करता है, वो आपने गिफ्ट दिया है ना वो चीज़, या आपने गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्ट दिया, ये जो जब वो विंड चाइम किसी और के साथ भी होता है वैसा ही होगा ये कुछ है ना, जब उसका आवाज़ आ रहा है ना अचानक से, तो मतलब मेरे से ना मेमोरी ट्रिगर हो रही है, पता नहीं कि आज मुझे एकदम अचानक से विंड चाइम दिख रहा है। फाइव ऑफ कस बॉटम डेक की एनर्जी है, सो एकदम ऐसा है ना कि एक वक्त आएगा जो अपना पेशेंस जो रखे हुए है उसका टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन हैंग्ड है और उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए यूनिवर्स जैसे ना इशारे कर रही है, कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल ऐसे एनर्जी में है कि उनको समझ नहीं पा रहे कि इंसान है ना एकदम डिस्ट्रेस स्टेट में, कि कुछ समझ नहीं, कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर समझ नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है। फिलहाल ऐसा सिचुएशन है ना कि इनकी सोच समझ बदलने के लिए यूनिवर्स उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रख रही है, तो उसकी वजह से कुछ समझ तो आ रहा है, कुछ फील तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक्शन क्या लेने का उन्हें नहीं समझ में आ रहा। पेशेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब आपके लिए भी, क्योंकि इस इंसान का जो पेशेंस है ना वो टूटने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आप सामने से जाएंगे तब ये इंसान अपने एक्शंस नहीं लेगा, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे तो इनका पेशेंस टूटेगा और ये इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस हैं। जो भी हो रहा है इनके लाइफ में, ये एक हीलिंग की एनर्जी है कि जैसे ना हील होने के लिए यूनिवर्स उनको इशारे कर रहा हूँ। इनकी इनसिक्योरिटीज़ मैंने कहा ना बहुत बढ़ रही है, जिसे आपके लिए अचानक से पजेसिव होने लगे हैं, आपके लिए इनसिक्योर होने लगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे आप कुछ बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, या आपकी तरफ से कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे, ये सारी एनर्जी उनको डिस्टर्ब कर रही है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और कहीं ना कहीं एक
ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है। एक वक्त था जो बदल चुका था आपके लिए, जो आपके अगेंस्ट गया था, आपके अपोजिट हो गया था, लेकिन आपके अगेंस्ट ही सब कुछ हो रहा था। आज वो वक्त बदल रहा है और चीज़ें जैसे ना एक वक्त आपकी तरफ उनको लेके आ रहा है। ये इमोशंस, मैंने कहा मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फुल मून का असर बहुत ज़्यादा गहरा है और वही असर उनको अपनी जहाँ तक डर का सामना कराएगा, लेकिन उनका प्यार का सामना भी उसी तरह कराएगा। अभी इस रिश्ते में वो ग्रोथ चाहते हैं, ये भी ये चाहते हैं कि ये रिश्ते में अभी प्रॉस्पेरिटी हो। ये कहीं ना कहीं दिल से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, बट उस चीज़ें के ऊपर एक्शन कह लेना है, सही से कितना समझना है वो नहीं समझ पा रहे। एंड फाइनली ये जो प्यार है, मैंने कहा ना एक कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग है वो फील होने लगा है। एंड ये एनर्जी जो द लवर्स यू नो, एक यूनियन की एनर्जी है, एक मिलने की एनर्जी है, एक प्यार की एनर्जी है, वो जाग रही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है और सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो भी है आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, इस दर्द को, इस तकलीफ को, आपके कर्मास को, हर चीज़ को जैसे आपने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है वही चीज़ आपको वो दिला रही है जो आपके हक का है और आपके नसीब का है। पहले तो आपने रोया धोया सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आप पर काम किया है तो वो सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में वो मंजिल दे रही है जो आप चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और जिन्होंने पेमेंट किए हैं प्लीज़ मेल कंफर्मेशन ज़रूर लीजिए कि आप मुझे पेमेंट मिला है कि नहीं, या क्वेश्चन मिला है कि नहीं स्पेशली उस चीज़ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।